मोहम्मद ईसा पढ़िया हूँ और मेरी एज 53 है और मैं दुबई मैराथन में भी हिस्सा लिया। वहाँ मैंने रेस भी की, 42 माइल थी रेस, वो मैंने पूरी की। दुबई का मेडल मैंने 2020 में जीता है। जब ये मेडल मुझे मेरे गले में डाला गया तो मैं बहुत खुश हुआ और मैं अब सोचा पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा और भी मजीद ट्रेनिंग करके और ज़्यादा नाम रोशन करने की कोशिश करूँगा। 93 से ले रहा हूँ पाकिस्तान में। मेरा दुबई जाने का सफ़र ये था कि मैं संभालूँ, मेरी वीडियो उतारी, फिर वो लोग दुबई क्लब वालों ने मुझे सपोर्ट किया, फिर मुझे पंजाब जाना पड़ा, वहाँ लाहौर में क्वालिफाइड किया रेस में, फिर वहाँ से पंजाब के भी कुछ खिलाड़ी थे और मैं भी था, हम लोग यहाँ से, मैं कराची से गया था और वो लोग पंजाब से, और जो ये कलर है वो भी पंजाब स्पोर्ट बोर्ड है उन्होंने दिया है और सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया मुझे ये शूज़ उन्होंने मामजर कलर वालों ने दिए और मेरे पास कोई शूज़ वगैरह नहीं थे, मेरे पुराने शूज़ फटे हुए थे, उन्होंने शूज़ दिए और उनसे मैं ट्रेनिंग करता हूँ। लाहौर भी गया हूँ, नेशनल गेम भी खेला हूँ, लाहौर भी 3-4 मरतबा कौमी गेम खेलने, सूबाई गेम खेलने, ये सब कर लेंगे। मैं एक मामूली आदमी हूँ, मैं माली की जॉब करता हूँ नासा, उसको मैं साइकिल से जाता हूँ और आता हूँ सुपर हाईवे, और मुझे यहाँ किसी ने सपोर्ट नहीं की, और मेरी सैलरी भी 17,000 है और इससे घर इतना मेरा चलता नहीं, बिजली का बिल भी आता है तो 8,000-9,000 इतना बिजली का बिल आता है, गैस का आता है। मैं 27 साल से भाग रहा हूँ, उसमें मेरा किसी ने कोई सपोर्ट वगैरह नहीं किया, फिर मैंने तंग आके मैंने अपना एक स्कूल खोला है बच्चों को ट्रेनिंग, ताकि कोई बच्चों का कोई सपोर्ट करे। चलो मुझे तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, अब मैं मंशा से बच्चे बचेंगे और अच्छा ट्रेनिंग भी हासिल दूंगा मैं उनको, वो आगे जाकर अपना नाम रोशन करेंगे पाकिस्तान में।